हेलो डियर स्टूडेंट्स हाउ आर यू टुडे आई एम योर मैथ्स टीचर नुपुर कुल्हरी प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 13.4 ऑफ चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरियाज वॉल्यूम क्लास नाइन्थ स्टार्ट कर दी थी इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 13.4 के रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव के साथ क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर फाइव अः हेमिसपेरिकल बोल मेड ऑफ ब्रास है टेन पॉइंट 10.5 सेंटी हमारे पास क्या है एक हेमिसपेरिकल बोल है जिसका डायामीटर गिवन है टेन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर इनर डायामीटर चलिए बना लेते हैं ठीक है इनर सेंटीमीटर ठीक है फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग इट ऑन द इनसाइड एट द रेट ऑफ रुपीज सिक्सटीन अब वो क्या कह रहा है कि उसे इनसाइड में टिन प्लेटिंग करनी है इधर इसके मतलब कौन से एरिया पे कौन सा एरिया ये कर्ड सरफेस एरिया ठीक है एट द रेट ऑफ रुपीज सिक्सटीन पर हंड्रेड सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब हंड्रेड सेंटीमीटर स्क्वायर के हमारे कितने रुपए लग रहे हैं सिक्सटीन रुपीज तो हम क्या करेंगे पहले इसका कर्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे किसका हेमस्फेयर का और जो भी रेट गिवन है उससे अपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो चलिए पहले अपन इसका क्या निकाल लेते हैं कर्व सरफेस एरिया उससे पहले हम देखते हैं इसका रेडियस क्या है डायामीटर हमें गिवन है टेन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर ठीक है तो उसका रेडियस जो होगा टेन पॉइंट फाइव अपॉन टू सेंटी मीटर ठीक है अब क्या फाइंड आउट करेंगे इसका कर्व सरफेस एरिया तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिसफेयर क्या होता है टू पाए आर स्क्वायर ठीक है बस रख दीजिए फॉर्मूले के अंदर टू इं टू ट्वेंटी टू अपॉन सेवन इन टू रेडियस टेन पॉइंट फाइव अपॉन टू और इसका होल स्क्वायर है ठीक है यू गेट टू इंटू ट्वेंटी टू अपॉन सेवन इंटू टेन पॉइंट फाइव अपॉन टू इंटू टेन पॉइंट फाइव अपॉन टू ठीक है देखिए टू से तो टू कैंसिल हो गया पॉइंट हटाया ये टेन हो जाएगा इधर और यहाँ से पॉइंट हटाया तो ये यहाँ पे ट्वेंटी तो ट्वेंटी टू अपॉन सेवन इंटू वन हंड्रेड फाइव अपॉन टेन इंटू वन हंड्रेड फाइव अपॉन ट्वेंटी तो देखिए ये टू वन ज टू टू वन जो टू यहाँ पे भी टेन अगेन सेवन मंजर सेवन सेवन मंजर सेवन थ्री गया यहाँ पे सेवन फाइव ज थर्टी फाइव ठीक है तो ये हुआ इलेवन इंटू फिफ्टीन इंटू वन हंड्रेड फाइव अपॉन टेन इंटू टेन इज 100. इसको अपन सॉल्व करेंगे. 11 into 15 into 1005 upon 100. 100 73.25. 100 73.25. ये हमारे पास क्या आया? सेंटीमीटर स्क्वायर. कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्पेयरिकल बाउल. अपने को क्या फाइंड आउट करना है? इसकी कॉस्ट फाइंड आउट करनी है. क्वेश्चन में क्या गिवन है? एट अ रेट ऑफ रुपीस 16 पर हंड्रेड सेंटीमीटर स्क्वायर मीन्स जो हंड्रेड सेंटीमीटर स्क्वायर है कॉस्ट ऑफ हंड्रेड सेंटीमीटर स्क्वायर इज रुपीज सिक्सटीन तो वन सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी आ जाएगी सिक्सटीन अपॉन हंड्रेड आएगी कि नहीं आएगी हमारा एरिया कितना है सो कॉस्ट ऑफ वन सेवन थ्री पॉइंट टू फाइव सेंटीमीटर स्क्वायर कितनी हो जाएगी वन सेवन थ्री पॉइंट टू फाइव इंटू सिक्सटीन अपॉन हंड्रेड और सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा ट्वेंटी सेवन पॉइंट सेवन टू रुपीज ठीक है इतनी कॉस्ट होएगी उसकी ट्वेंटी सेवन पॉइंट सेवन टू रुपीज चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सिक्स फाइंड द रेडियस क्या फाइंड आउट करना है रेडियस ऑफ अ स्पेयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर तो देखिए इसके अंदर हमें सरफेस एरिया गिवन है और रेडियस फाइंड आउट करना है क्या गिवन है हमें गिवन है टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्क्र 154 सेंटीमीटर स्क्वायर रेडियस आर हमें फाइंड आउट करनी है और चलिए टोटल सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ इज फोर पाई आर कितना गिवन है भाई टोटल सरफेस एरिया 154 गिवन है ना तो फोर पाई आर स्क्वायर इज 154 चलिए आगे चलिए तो फोर इन ट्वेंटी टू अपॉन सेवन आर स्क्वायर इज वन हंड्रेड फिफ्टी फोर सो देखिए आर स्क्वायर कितना अपॉन फोर इंटू ट्वेंटी टू क्या कैंसिल हो रहा है इसके अंदर ये देखिए टू टू ज फोर टू सेवन जो फोर्टीन कैरी वन टू सेवन 14 अब 77 सेवन और ट्वेंटी टू इलेवन टेबल में आते हैं इलेवन टू जॉ ट्वेंटी टू और ये इलेवन सेवन सेवेंटी सेवन सो आर स्क्वायर विल बी सेवन इंटू सेवन अपॉन टू इंटू टू सो आर क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ सेवन स्क्वायर अपॉन टू का स्क्वायर सेवन इंटू सेवन सेवन स्क्वायर हो गया ना और टू इंटू टू स्क्वायर ऑफ टू तो आर हमारा हो गया सेवन अपॉन 2 सेंटीमीटर जो कि हमें फाइंड आउट करना था नेक्स्ट भी चलिए क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है द डायमीटर ऑफ द मून इज एप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ देखिए एक हमारे पास मून है एक हमारे पास अर्थ है दोनों स्फेरिकल शेप के हैं अब क्या गिवन है जो डायमीटर ऑफ मून है इज 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ तो चलिए लेट डायामीटर ऑफ मून मान लेते हैं क्या है डी एम ठीक है कि डायामीटर ऑफ मून क्या है डी एम और डायामीटर ऑफ अर्थ इज डायामीटर ऑफ अर्थ डी ई अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डायामीटर ऑफ द मून डायामीटर ऑफ मून इज डायामीटर ऑफ मून इज वन फोर्थ ऑफ वन फोर्थ ऑफ डायामीटर अर्थ ठीक है ये हमें क्वेश्चन में गिवन है आगे क्या कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया हम भी सरफेस एरिया ऑफ मून अपॉन सरफेस एरिया ऑफ अर्थ फाइंड आउट करना है उनका रेशियो फाइंड आउट करना है दोनों का तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग डायामीटर ऑफ मून इक्वल्स टू डायमीटर ऑफ अर्थ ठीक है तो रेडियस क्या हो जाएगा चलिए ये डायमीटर ऑफ मून डी एम इक्वल्स टू वन अपॉन फोर डाया ऑफ अर्थ है ना ये ऐसे ही हुआ ना डी ई डी एम इक्वल्स टू वन अपॉन फोर डी ई रेडियस क्या होता है डायमीटर का हाफ मीन्स अगर अपन दोनों साइड टू से क्या करें डिवाइड करें डिवाइडिंग बोथ साइड बाय टू डी एम अपॉन टू क्या आ जाएगा आर एम आर एम क्या है रेडियस ऑफ मून ठीक है लिख लेते हैं अपन आर एम इज रेडियस ऑफ मून इक्वल्स टू वन अपॉन फोर डी ई अपॉन टू क्या आ जाएगा आर ई फिर e. आर ई e क्या है रेडियस ऑफ अर्थ ठीक है आर एम इज रेडियस ऑफ मून रेडियस ऑफ मून ठीक है एंड आर ई क्या है आर ई इज रेडियस ऑफ अर्थ ठीक है चलिए इट मीन्स फोर ऊपर ऊपर भेज देते हैं फोर टाइम्स आर एम इक्वल्स टू आर ई इसे अपन इक्वेशन नंबर वन मान लेते हैं ठीक है अब क्वेश्चन में अपने को फाइंड आउट करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ मून अपॉन टोटल सरफेस एरिया ऑफ अर्थ टोटल सरफेस एरिया ऑफ मून अपॉन टोटल सरफेस एरिया ऑफ अर्थ दोनों को अपने को रेशियो फाइंड आउट करना है दोनों हमारे पास स्पेरिकल शेप के ऑलमोस्ट तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ मून क्या हो जाएगा फोर पाए आर एम होल स्क्वायर यही होगा और इसी तरह से अर्थ का क्या हो जाएगा फोर पाए अर्थ के रेडियस क्या मानी अपने आर ई आर ई का होल स्क्वायर फोर पाए तो फोर पाए तो से कैंसिल हो गया बचा हमारे पास आर एम चलिए अब इक्वेशन नंबर वन के अकॉर्डिंग आर ई क्या है फोर टाइम्स आर एम है तो आर एम तो अपन ऐसे ही रहने देते हैं ठीक है आर एम स्क्वा यहां पे आर ई की जगह अपन क्या लिखेंगे फोर टाइम्स आर एम होल स्क्वायर को नहीं बोलना है ठीक है होल स्क्वायर भी है ऊपर तो ये क्या हो गया हमारे पास आर एम एज इट इज होल अपॉन फोर का स्क्वायर स्क्वायर ऑफ फोर इज सिक्सटीन और वो क्या है आर एम स्क्वायर आर एम स्क्वायर देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है आर एम स्क्वायर आर एम स्क्वायर से कैंसिल हो गया हमारे पास क्या बचा वन अपॉन सिक्सटीन और वन रेशियो 16. तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ मून अपॉन टोटल सरफेस एरिया ऑफ अर्थ क्या है उनका रेशियो क्या है वन रेशियो सिक्सटीन ठीक है मीन्स जो टोटल सर्फेस एरिया ऑफ अर्थ है वो सिक्सटीन टाइम्स टोटल सर्फेस एरिया ऑफ मून है ठीक है इतना ज़्यादा है नेक्स्ट पे आ जाइए क्वेश्चन नंबर एट अ हेमिसपेरिकल बोल इज मेड ऑफ स्टील ठीक है एक बोल है हमारे पास जो कि स्टील का बना हुआ है और हेमिस्पेरिकल शेप का है 0.25 सेंटीमीटर थिक इसकी थिकनेस हमें गिवन है 0.25 सेंटीमीटर द इनर रेडियस ऑफ द बॉल इज 5 सेंटीमीटर देखिए इस तरह से ये कुछ इस तरह से मोटा है थिकनेस गिवन है इसकी हमें कुछ 0.25 सेंटीमीटर मींस ये यहाँ से यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है ना ये इतना ये है 0.25 सेंटीमीटर के अंदर है है ना और उसकी जो रेडियस है इनर डेट इज फाइव सेंटीमीटर मीन्स यहां से यहां तक फाइव सेंटीमीटर है हमारे पास फाइव तो टोटल कितना हो जाएगा फाइव प्लस जीरो पॉइंट टू फाइव होगा कि नहीं होगा चलिए फाइंड द आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द बॉल ये जो बॉल है ना इसका हमें आउटर कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है तो इसके लिए हमारे पास टोटल रेडियस जो होगी यहां से यहां तक कंप्लीट क्योंकि ये वाला सी एस से फाइंड आउट करना है हमें ठीक है तो चलिए लिख लेते हैं पहले तो हम जो भी गिवन है इसके अंदर इसकी जो थिकनेस है डेट इज जीरो पॉइंट टू फाइव सेंटीमीटर ठीक है इनर रेडियस इनर रेडियस कितनी है फाइव सेंटीमीटर ठीक है तो आउटर रेडियस कितनी होएगी आउटर रेडियस विल बी ध्यान रखना इसके अंदर ठीक है आउटर रेडियस फाइंड आउट करनी है हमें क्योंकि आउटर कर्व सरफेस निकालना है फाइव प्लस इनर प्लस ये जो उसकी थिकनेस है जीरो पॉइंट टू फाइव तो आउटर रेडियस हो गई हमारे पास फाइव पॉइंट टू फाइव सेंटी ठीक है अब हम इसका आउटर कव सर्फिस एरिया फाइंड आउट ही कर सकते हैं तो सीएसए ऑफ हेमस्फेयर क्या होता है सीएसए ऑफ हेमस्फेयर टू पाए आर स्क्वायर टू इंटू ट्वेंटी टू अपॉन सेवन इंटू डेड कितनी है फाइव पॉइंट टू फाइव फाइव पॉइंट टू फाइव स्क्वायर ठीक ठीक है है देखिए यहां से पॉइंट हटाया अपॉन में कितना आया हंड्रेड यहाँ से पॉइंट हटाया अपॉन में कितना आया हंड्रेड ठीक है सॉल्व कर लेते हैं अपन इसको दोनों फाइव की टेबल में आते हैं फाइव टू ज़ा टेन ज़ीरो फाइव वन ज़ा फाइव अब यहाँ पे देखिए ट्वेंटी फाइव है तो ज़ीरो लगा के लेना पड़ेगा जीरो और ये फाइव ठीक है इसी तरह से ये भी ट्वेंटी और ये वन हंड्रेड फाइव अगेन ये फोर की टेबल में आता है फाइव फोर ज़ा ट्वेंटी ठीक है अगेन ये फाइव फोर ज़ा ट्वेंटी और ये ट्वेंटी वन ठीक है ये ट्वेंटी वन अपॉन फोर सेवन मंजा सेवन सेवन थ्री जा ट्वेंटी वन टू वन जा टू 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 जा फोर टू वन ज टू टू वन जा टू और ये टू वन जा टू क्या बचा हमारे पास थ्री इनटू इलेवन इनटू ट्वेंटी वन अपॉन फोर ठीक है इलेवन इनटू टू ट्वेंटी वन टू हंड्रेड थर्टी वन इंटू थ्री अपॉन फोर थ्री वन जा थ्री 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 ज़ा नाइन थ्री टू ज़ा सिक्स अपॉन फोर अगेन फोर वन ज़ा फोर ठीक है ट्वेंटी नाइन हो गया ये फोर वन जा फोर ये सिक्स है तो कैरी टू बचे ट्वेंटी नाइन अच्छा ट्वेंटी नाइन नहीं आता फोर के टेबल में लेकिन ट्वेंटी एट आता है सेवन टाइम्स ठीक है अगेन कैरी वन थर्टीन हो गया थर्टीन um, भी नहीं आता लेकिन ट्वेल्व आता है फोर के टेबल में कितनी बार आता है थ्री टाइम्स ठीक है पॉइंट वन जीरो फोर टू ज़ा एट अगेन टू बचे तो जीरो लगाया तो फोर फाइव ज़ा ट्वेंटी वन सेवन थ्री पॉइंट टू फाइव सेंटीमीटर स्क्वायर ठीक है क्या आ गया इसका हेमी स्पेयर का आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया नेक्स्ट क्वेश्चन भी चलिए क्वेश्चन नंबर नाइन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट एनक्लोजेज स्पेयर ऑफ रेडियस आर एक सिलेंडर है हमारे पास जो कि एक स्पेयर के ऊपर है कंप्लीट इस तरह से ठीक है जस्ट एनक्लोजे मतलब पूरा एकदम अटैच है उसके टॉप मोस्ट से स्पेयर का पार्ट फाइंड सर्फेस एरिया ऑफ द स्पेयर इसकी रेडियस हमें कितनी गिवन है आर ठीक है तो सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर का क्या फॉर्मूला होता है फोर पाई आर स्क्वा तो इसका सरफेस एरिया हो गया फोर पाई आर है ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया सॉल्व देखिए इतना इजी था नेक्स्ट पे आ जाइए कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर ये जो सिलेंडर है ना देखिए ये सिलेंडर इसका हमें क्या फाइंड आउट करना है कर्व्ड सरफेस एरिया स्पेयर की रेडियस है हमारे पास आर चलिए कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का क्या फॉर्मूला होता है एस of सिलेंडर फटाफट से बताइए सोचिए टू पाए आर एच ठीक है तो देखिए स्पेयर और सिलेंडर की रेडियस तो आर ही रहेगी तो आर तो है फिक्स हमारे पास व्हाट अबाउट एच एच कहाँ से मिलेगा हमें तो देखिए इसके अंदर ये भी रेडियस आर होगी होगी कि नहीं होगी यहां से यहां तक भी रेडियस आर होगी और ये जो होती है, वो क्या होती है? हमारे पास H होती है सिलेंडर की, तो जो H है, वो कितनी हो गई? R प्लस R, सो H इज two R, ठीक है? है आर, इस केस के अंदर, कंप्लीटली enclosed है ना? ठीक है? तो हमारी जो हाइट ऑफ सिलेंडर आ रही है, वो R प्लस R आ रही है, तो यहां रख देंगे अपन two into pi into R और H की जगह क्या रखना है अपने को? two R तो ये क्या हो गया टू टू जोर जो पाए आर इन टू आर एस आर स्क्वायर फोर पाए आर स्क्वायर सेकेंड पार्ट भी सॉल्व हो गया हमारा थर्ड पार्ट क्या कह रहा है इसका फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ इन फर्स्ट एंड सेकेंड जो फर्स्ट एंड सेकेंड केस में हमारे पास रेशियो आया है वो हमें फाइंड आउट करना है एरिया जो रेशियोज ऑफ एरिया आया है तो फर्स्ट वाले केस में अगर आपको याद हो तो फर्स्ट वाला केस क्या था सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर सेकेंड क्या है कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर मतलब हमें रेशियो फाइंड आउट करना है सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर अपॉन सी एस सिलेंडर ठीक है यही है ना अच्छा कितना आया था सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर फोर पाई आर स्कोर आया था फर्स्ट केस में फोर पाए आर स्क्वायर लिख देते हैं अपन फोर पाए आर स्क्वायर और कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर भी कितना आया था फोर पाई आर स्क्वायर ये रहा फोर पाए आर स्क्वायर रख दो इसको भी फोर पाए आर स्क्वायर कैंसिल हो गए दोनों क्या आया वन रेशियो वन ठीक है दो दो दोनों का सरफेस एरिया का रेशियो क्या है वन रेशियो वन ठीक है मतलब बराबर ही है चलिए इस वीडियो के अंदर अपन एक्सरसाइज थर्टीन पॉइंट फोर कंप्लीट कर ली है नेक्स्ट वीडियो के अंदर वी विल डू सर्टेन एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू एक्सरसाइज थर्टीन पॉइंट फाइव ऑफ चैप्टर नंबर थर्टीन सर्फेस एरियाज इन वॉल्यूम तब तक आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखेंगे क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक स्टडी हार्ड एंड टेक केयर